अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम आमना, टीचर ऑफ क्लास सिक्स। टुडे आवर चैप्टर नंबर 3, बेगम जहां आरा शाह नवाज। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी। अवाइल उम्र, लड़कपन या फिर न उम्री। वक्फ करना, रफा आम के लिए कोई चीज़ मखसूस करना। रुकम करना, लिखना या फिर तहरीर करना। उम्मीद भर आना, ख्वाब पूरे होना। मौक़फ़, मुद्दा या फिर मतलब। शर्फ होना, इज़्ज़त मिलना, इज़्ज़त होना। दायरा कार, काम का हल्का। सरतोड़ कोशिशें, बेहद मेहनत। राहें हमवार होना, रास्ता खुलना या फिर रुकावट दूर होना। सोबतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें। पाए इस्तकलाल, साबित कदमी, ज़ब्त तहम्मल। मुअर्रज़ वजूद, पैदाइश, वजूद में आना। सरबकफ़, जान देने पर आमादा। इस सबक में हमें यह बताया गया है कि तहरीके पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना इस मैदान अमल का हिस्सा बने। तहरीके पाकिस्तान की हर एक दिल अजीज सरगर्म कारकुन कि ज़िंदगी के हालात जो बामल ख़वातीन के लिए मशअले राह है। क़याम पाकिस्तान की तारीख साज जदोजहद में ख़वातीन में मिली शऊर पैदा करने की खातिर मुअर्रफ सर गर्म खातून रहनुमा जहां आरा शाहनवाज का किरदार। बेगम जहां आरा शाहनवाज तहरीक आज़ादी की एक सरगर्म कारकुन थी और वो ऐसी बामल खातून थी जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और पाकिस्तान बनने के बाद भी वतन अज़ीज़ की बेहतरी के लिए ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी काम करती रहीं। बेगम जहां आरा शाहनवाज 7 अप्रैल 1896 को लाहौर में पैदा हुई और इन्होंने असलाह ख़वातीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस सिलसिले में मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के 1917 में होने वाले पहले अजलास में अपने दिलचस्प तकरीर और पेशकर्दा करदादों के बायस खूब दाद पाई। बेगम जहां आरा शाहनवाज की अनथक कोशिशों का नतीजा ये था कि तमाम हिंदुस्तानी खावतीन को उनका अपना हक दिया जाए। हिंदुस्तान की सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस जब कायम की गई जिनमें बेगम जहां आरा ने खावतीन हिंद की नुमाइंदगी की और 1940 में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई तो बेगम जहां आरा ने भी मुस्लिम लीग कौंसिल के इस अजलास में शिरकत की और फिर इस तहरीक की कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दिया। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस काम के लिए और आखिरकार पाकिस्तान कायम हो ही गया। अब इनकी सारी मेहनत और जदोजहद वतन अजीज की बेहतरी के लिए वक्फ थी। इनकी मुजाहदाना ज़िंदगी का अख्ताम 1999 में हुआ। कौम इनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। जिंदाबाद ऐ दुख्तराने मुल्क व मिल्लत, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड, सो स्टूडेंट्स यू शुड राइट दीज नोट्स ऑन योर नीट कॉपीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।